नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सपना बिष्ट और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर लालकुआ कोतवाली से है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया अपहरण युवती के मामले का बड़ा खुलासा। कल देर शाम घर से टहलने निकली युवती को लगभग 10 बजे कुछ कार सवार जबरन ले गए थे अपने साथ। पुलिस ने किया घटनाक्रम का खुलासा। मामले में शामिल युवती के जीजा कफील अहमद निवासी गंगानगर काठगोदाम और सोनू निवासी खैरानी बिंदुखत्ता उम्र 27 वर्ष को किया गिरफ्तार। घटना के खुलासे के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल, अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी, पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआं के दिशा निर्देश पर गठित की गई थी 6 टीमें। एसपी सिटी हल्द्वानी का कहना है, अपहरण के मामले में यदि परिवार के लोग भी शामिल पाए गए तो उनके खिलाफ भी की जाएगी कार्यवाही। घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में लालकुआं कोतवाल सुधीर कुमार, सीनियर सब इंस्पेक्टर रोहतास सागर, सब इंस्पेक्टर संजय ब्रिजलाल, इंद्रजीत सिंह, मनोज कुमार, कमित जोशी, चंद्रशेखर जोशी, अजेंद्र प्रसाद, सिपाही मुमताज आलम, आनंद पुरी, सुरेंद्र शिंदे, महिला सिपाही भावना जोशी रहे शामिल। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के इंस्पेक्टर अबुल कलाम, सर्विलांस टीम के किशन सिंह सहित समस्त एसओजी टीम खुलासे में रही शामिल। आप देख रहे हैं लालकुआं से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी आप हमारे साथ बने रहे हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।